हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी अबाउट कार के एक और फ्रेश वीडियो में। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल चुका है कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो आज हम अपनी गाड़ी के अंदर जो VIP टाइप एंटीना रहता है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ 21.5% व्यूअर्स ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप अगर परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कुछ ऐसी नॉर्मल सी अनबॉक्सिंग है, मतलब कि पैकेजिंग नॉर्मल ही है। तो ये जस्ट हम नॉर्मली यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से हमें जो है यहाँ पर एंटीना दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। ये इस अंदर भी एक पैकेजिंग के साथ में मिलता है। तो ये मैं अभी यहाँ पर जो है ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पर ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो अंदर से कुछ इस टाइप से जो है ये हमें एंटीना दिखाई दे रहा है। ये आपका जो है आप यहाँ से एग्जैक्टली रिमूव भी कर सकते हो और ये जो है इस टाइप से भी एडजस्ट हो जाता है। और ये जो है अपनी गाड़ी के जो बोनेट रहता है वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। टीयर की बूट रहती है वहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ है, आप देख सकते हो क्वालिटी वाइज अच्छा है और पेंट के अंदर भी लगता नहीं कुछ इश्यू होगा। आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से एडजस्टेबल है। और ये इसका पैकेज और इसके साथ हमें एक मिली है ये एलन की। तो आप देख सकते हो ये एलन की भी साथ में दी गई है। तो काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ब्रांडिंग भी दी गई है। तो अभी मैं इसको आपको जो है इंस्टॉल की बात करूँ तो आप इसको फ्रंट का जो बॉनेट रहता है उसको आप वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। रियर की जो बूट रहते हैं वहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप जहाँ पर भी इंस्टॉल करना चाहो वहाँ पर कर सकते हो। ये जस्ट आपका लुक इन्हेंस करने के लिए ही काम आता है। मतलब कि ये एंटीना आप जो नॉर्मली बात करते हो जो स्टेरियो से कनेक्ट होता है ये वो वाला नहीं है। ये आपका नॉर्मली जो लुक इन्हेंस के लिए ही आता है। इसका नाम ही है VIP टाइप जो एंटीना कहते हैं वो। तो चलिए मैं इसको फाइनली आपको जो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका लुक आ रहा है। और ये जो है आपका कहीं पर भी आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये जो है अपनी गाड़ी के अंदर इसको हमें होल्ड करके फिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बस यहाँ पर ये स्क्रू है, ये आप नॉर्मली जो साइड पर रहती है मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर आप इसको टाइट कर दीजिए। तो चलिए अभी हम मिलते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। ये आप यहाँ पर जो बीच में भी कर सकते हो, साइड पर यहाँ पर जो है बॉनेट यहाँ पर भी कर सकते हो। इवन रियर का जो बूट रहता है साइड के अंदर वहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका मैं इंस्टॉलेशन की बात बताऊँ तो यहाँ पर कुछ भी इतना ऐसा होल या ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से स्क्रू से फिट हो जाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी जो कहते हैं उसको होल करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इससे जो लुक्स है वो काफ़ी VIP टाइप आ जाता है, आप देख सकते हो। आप जो है यहाँ पर जो है इसको रिमूव भी कर सकते हो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर ये अगर कोई इसको डैमेज कर सके तो आप इसको ये नॉर्मली जो है आप देख सकते हो इसको आप घुमा कर और निकल कर रख सकते हो। और इसकी क्वालिटी तो मैंने आपको आगे बताया है, बढ़िया है। तो ये आप इस टाइप से जो कार का लुक है वो इन्हेंस कर सकते हो।
वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर बीच में इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ पर साइड पे या रियर बूट के अंदर। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।